तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण बातों को, जो कि आपके लिए जानना काफी बेहद जरूरी है, बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि आरजीपीवी से जुड़े स्टूडेंट हैं, उनके लिए इन बातों का जानना काफी जरूरी है और उनके अंदर बहुत तरह का डर बैठ चुका है। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया जाए किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में एक प्रॉपर गाइडेंस का होना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो मन तक बने रहिए। क्लियर? तो फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बारे में। टाइम टेबल आ चुका है आपका, आई होप आप प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर? जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाता है तो हम फर्स्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैंने भी फेस किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन कितना भी बड़ा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 23 टू 24 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। बाकी आपके कॉलेज से नंबर दिए जाते हैं, जो कि आपके इंटरनल कह सकते हैं उसे। वो एग्जामिनेशन आपके जो कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है वो अलग होता है, लेकिन आरजीपीवी के पेपर में 70 में से आपको 23 से 24 नंबर पास करने के लिए लाने होते हैं। 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। और 5 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए हो गया, उसमें आपका ए बी, यानी अगर क्वेश्चन नंबर एक आप बना रहे हैं, मान लीजिए आपका ए आ रहा है आपको सही तरीके से, तो पहले तो आप इसी को ही बनाएगा। लेकिन फंडा ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर एक बना रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर एक का दोनों पार्ट अगर आप बनाएंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से करके आप 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको प्रॉपर देना है, और अगर जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता है, तो क्योंकि आप छोड़ के आएंगे तो कोई फायदा है नहीं, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं। और इन बातों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि अगर आप 32 पेज लिख देंगे, 30 पेज लिख देंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप कम लिखिए, लेकिन प्रॉपर और सटीक आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि पास करने के लिए आपको कम से कम 15 से 18 पेज भी अगर आप सही सही लिख देते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूँ। तो 30 और 32 पेज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से अपने कॉपी को रिप्रेजेंटेट करना है, ताकि एग्जामिनर देख के खुश हो सके। क्लियर? और पैराग्राफ में चीजें ना लिखते हुए आपको पॉइंट वाइज चीजें आपको लिखनी होगी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर होता है? और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स चैप्टर को आप सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। देन उसके बाद आपका रोल्स थ्योरम आता है, जो कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। उसके बाद आप वेक्टर कैलकुलस को देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हर चैप्टर का रिव्यू लेने की कोशिश कीजिएगा, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आरजीपीवी कब लेवल हाई कर दे कब लो कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज है, मैं अपने स्तर पे उसको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज हो चुका है, तो उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी डिस्कस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को प्रोवाइड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।